तो बच्चों पहले विद्युत धारा और चुंबकत्व के पहले हमें पहले चर्चा करना पड़ेगा कि हमने पहले क्या इसके पहले क्या जाना। जैसे हम लोग सातवीं में पढ़े हैं परमाणु के घटक, तो परमाणु के घटक में हमको मालूम है कि परमाणुओं के तीन घटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्योंकि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अर्थात ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या बराबर होती है, इसलिए विद्युतीय दृश्य या परमाणु उदासीन होते हैं। फिर भी परमाणु में पाए जाने के कारण ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। तो बच्चों हमें पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे जो आसपास जो पाए जाने पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है क्या, ऐसा हमें जानना जरूरी है। तो बच्चों जैसे कि इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि जब कांच की छड़ हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, यह जानकारी आप लोगों को इसके पहले बताई गई थी। तो जैसे बच्चों हमको मालूम है कि जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनात्मक विद्युत आवेश निर्मित होता है और रेशम के कपड़े पर ऋणात्मक विद्युत आवेश निर्मित होता है। ठीक ऐसे ही आगे हम देखते हैं तो क्या पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं। यदि हम सोचते हैं तो जब दो उचित वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जाती हैं तो वस्तु में से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है वह धनात्मक आवेश निर्मित होता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋणात्मक आवेश निर्मित होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो वह ग्रहण करेगा तो वह ऋण आवेशित हो जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन कोई देता है तो उसमें हम देखते हैं तो धन आवेशित हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमें मालूम है कि पदार्थ किस तरह से पदार्थ पर आवेश होता है। तो अगला हम देखते हैं बच्चों स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं। इसमें हम देखते हैं तो स्थिर आवेश और चल आवेश की बात जब हम करते हैं, स्थिर का मतलब होता है विरामावस्था वाले आवेश अर्थात स्थिर विद्युत आवेश, और दूसरा होता है चल आवेश अर्थात गतिशील आवेश। अर्थात इसका मतलब बच्चों होता है कि गतिशील आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हमेशा गतिशील होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं चल आवेश कहते हैं। आगे हम बच्चों चलते हैं तो हम देखते हैं कि क्या ऋण आवेश को प्रवाहित किया जा सकता है, यानी इसका उत्तर बच्चों हाँ में होगा, क्योंकि ऋण आवेश को ही प्रवाहित किया जाता है, जिससे आगे हम आपको जानकारी देंगे जिससे जो है विद्युत का निर्माण होता है। आगे हम बच्चों चलते हैं तो यह देखते हैं कि किसी जब पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है उसी प्रकार क्या विद्युत में प्रवाह बना सकते हैं, अर्थात इसका उत्तर बच्चों नहीं में होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों हमें यह सब जानकारी पहले सातवीं में हम लोग इस चीज की जानकारी कर चुके थे। ठीक वैसे बच्चों जब हम आगे चलते हैं तो हमको यह मालूम था कि कोई भी स्थिर वस्तु है उसे गतिशील करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, यह भी आप लोगों को सातवीं में बताया गया था। कोई भी चीज स्थिर हम रखते हैं यदि उसमें हमको बल लगाएंगे तभी वह गतिशील होगा, जब तक कोई स्थिर चीज को हम छूते नहीं है उसमें आवेश में किसी प्रकार का उसके गति उसमें नहीं होती है। इस तरह से बच्चों हम आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हमें
ये भी जानकारी थी कि जब किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि हम गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो उसी को हम क्या करते हैं, धारा विद्युत करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, जैसे हमने भी बताया चल और गतिशील और स्थिर विद्युत आवेश, तो गतिशील आवेश में हमको जैसे मालूम है गतिशील आवेश में यह इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका मतलब यह होता है कि इन गतिशील आवेश के लिए जो हमें चल आवेश जिसे कहते हैं, तो उसमें हम जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित तो आगे हम चलते बच्चों, तो हमारा अब हमें विद्युत धारा विद्युत क्या होता है उसके विषय में हमें जानकारी करना है। तो अब हम धारा विद्युत के विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे कि धारा विद्युत क्या होता है। तो धारा विद्युत में हम आगे आते हैं बच्चों, तो उसके लिए हम देखते हैं धारा विद्युत में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी विद्युत किसी चालक, जैसे कोई हम यदि धातु के तार को लेते हैं, तो धातु के तार में प्रति इकाई समय में जो प्रवाहित विद्युत आवेश होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो इकाई समय, समय यानी टाइम, टाइम को हम टी मानते हैं और विद्युत आवेश को क्यू मानते हैं। तो इस तरह से एसआई इकाई के अनुसार हम विद्युत धारा को एम्पियर में नापते हैं, यानी विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो इस तरह से बच्चों हम यदि देखें तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। आगे हम बच्चों, अभी जैसे हमने बताया कि धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्माण होती है, तो हम इसकी जानकारी आगे चल के देखते हैं। तो स्थिर विद्युत विभव पर हम चलते हैं, तो हम देखते हैं स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो स्थिर विद्युत विभव का मतलब होता है बच्चों कि जब जैसे देखा जाए तो कोई भी गर्म चीज है, यदि अधिक ऊष्मा सदैव देखा जाए तो कम की तरफ, अधिक से कम की तरफ होता है। जैसे कोई चीज हम वस्तु को गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिरा ठंडा होता है, यदि हम वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो वह जिधर हम गर्म करते हैं उधर की ऊष्मा अधिक होती है और जिधर हम हाथ से पकड़ लेते हैं उधर की ऊष्मा कम होती है, अर्थात उसमें गर्मी कम होती है। तो जिधर हम गर्म करते हैं वह तापमान अधिक होता है, तो उधर से वह अधिक तापमान की तरफ से कम तापमान की तरफ बढ़ता है। जैसे यदि हम एक राड को ले लेते हैं, राड का एक सिरा हम किसी ज्वाला पर, लौ पर जो हम रखते हैं, लौ की ज्वाला पर रखते हैं, तो लौ की ज्वाला का तापमान अधिक होता है और जिस तरफ हम हाथ पकड़े रहते हैं उधर का तापमान कम होता है। तो जिधर गर्म करते हैं उधर से तापमान धीरे 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 राड गर्म होते हुए हमारे हाथ की तरफ बढ़ता है। तो हमें वहां में क्या देखा गया कि अधिक तापमान से कम तापमान की तरफ उसका प्रवाह होता है। ठीक वैसे ही बच्चों यहाँ यह जो विद्युत है, तो विद्युत के लिए भी जैसे तापमान में अंतर है तब तो तापमान वह उष्मा जो है हमारे हाथों की तरफ आया, मतलब जिधर कम तापमान था उधर आया, लेकिन यदि वही दोनों तरफ का तापमान बराबर हो जाएगा तो वह राड जो है गर्म होना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही विभवांतर में भी होता है जो स्थिर विद्युत विभव होता है। यहाँ भी यह जरूरी है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दिशा होती है वह निश्चित करने के लिए जो विद्युत का स्तर होता है वह हमें जानना जरूरी होता है कि विद्युत का स्तर सिरों पर क्या है। इसी विद्युत के स्तर को हम क्या करते हैं, विद्युत स्थिर विभव कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं तो स्थिर विद्युत विभव हुआ। अभी हम जैसे हमने चर्चा किया कि विभवांतर, इसको हम विभव अंतर यानी विभव का अंतर, जिस तरह से हमने तापमान का अंतर बोला वैसे यहाँ विद्युत के लिए क्या है, विभवांतर जरूरी है। दोनों सिरों का जो विभव का जो अंतर है वह होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम आगे हम आपको बताते हैं कि ठीक वैसे ही
दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने जो वाला जो अंतर होता है, कोई दो हम तार लेते हैं उसके दोनों सिरों के विभव में जो अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को हम आगे दिखा रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं तो यह आपके बाएं तरफ देखते हैं तो एक विद्युत परिपथ बनाया गया है, दूसरा नीचे दिखाया गया है विद्युत परिपथ। दोनों में कैसे है, पहले क्या किया गया है कि पहले जो विद्युत परिपथ सबसे ऊपर का दिखाया गया है उसमें हम देखते हैं एक बल्ब लगाया गया है और जो लाइन दिखाई गई है अर्थात वह एक विद्युत तार है, तार से जोड़ा गया है। तो हम देखते हैं बच्चों जब तार को हम जोड़ते हैं तो हम देखते हैं बल्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता अर्थात बल्ब जलता नहीं है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, जब किसी लंबे तार को से हम किसी परपथ को पूर्ण करते हैं बल्ब को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है अर्थात वह बल्ब जलता नहीं है। लेकिन जब ही आप यदि नीचे वाले में देखो विद्युत परपथ जो 4.1 का आ है, दूसरा जो चित्र में देखते हो तो उसमें हम देखते हैं तो हम ऊपर तब देखो लिखा गया धन ऋण, अर्थात धन ऋण का मतलब होता है एक विद्युत सेल को जिसका एक सिरा धन है दूसरा सिरा ऋण है, अर्थात इन धन और ऋण सिरों को हम देखते हैं तो यदि हम जोड़ते हैं तब हम देखते हैं आप उसके कलर में देखो अंतर है, ऊपर का बल्ब नहीं जल रहा है, नीचे का बल्ब का कलर जो है देखो थोड़ा हल्का पीला रंग का है अर्थात वह बल्ब जलने लगा। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि हम जब विद्युत सेल को लगाते हैं तो विद्युत सेल लगाने से विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की तरफ जो प्रवाह है यानी विद्युत सेल के दोनों सिरों पर जो विभवांतर का एक विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो गया। जो ही हम सेल लगाते हैं सेल लगाने के बाद विद्युत सेल के दोनों सिरों पर पाए जाने वाले जो विभवांतर है उसके कारण उस तार में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऋण आवेश, ये दिमाग होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के में प्रवाह हो गया और जिसके कारण विद्युत सेल के ऋण सिरों से धन सिरे की तरफ प्रवाह शुरू हो जाता है जिससे हम विद्युत धारा हम जिसे क्या कहते हैं सांकेतिक विद्युत धारा यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और उसे आप देखते बच्चों उसमें एक तीर का निशान बनाया गया है अर्थात धन की तरफ से विद्युत धारा व ऋण की तरफ। आप देखो नीचे की आकृति में आपको दिखाई दे रहा है जो धन सिरा है वहां से दाहिने तरफ से एरो दिखाया गया है वह फिर बाएं तरफ के ऋण की तरफ बढ़ता है अर्थात वह धन की तरफ से होते हुए ऋण की तरफ वह आगे बढ़ता है। तो इस तरह से बच्चों हमें यह मालूम होता है कि विद्युत सेल न होने के कारण ऊपर क्या है विद्युत सेल न होने के कारण उसमें विभवांतर नहीं हुआ। जब उस विद्युत सेल न होने से विभवांतर नहीं हुआ तो बच्चों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई। जो ही हम परिपथ में विद्युत सेल को हमने लगा दिया जब विद्युत सेल को हमने लगा दिया तो उसमें विभवांतर का निर्माण हो गया और उस निर्माण होने से स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित हो गया। तो इस तरह से बच्चों जो विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है और विभवांतर का एसआई प्रणाली में इकाई वोल्ट है, यानी हम विभवांतर जैसे हम लोग बताया गया बच्चों आप लोगों को पहले ही कि किसी भी यदि वस्तु है कोई भी मापन करते हैं उसकी एक इकाई होती है अर्थात हम यहाँ विज्ञान की भाषा में बोलते हैं तो कोई भी भौतिक राश होती है उसकी एक इकाई होती है। तो यहाँ यह भौतिक राश जो विभवांतर है उसकी एसआई में एसआई प्रणाली में उसका वोल्ट है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था एमकेएस प्रणाली सीजीएस प्रणाली एसआई प्रणाली। तो यह जो प्रणाली है इसकी जानकारी सातवीं में दिया गया था एमकेएस सीजीएस और एसआई प्रणाली। तो इसमें बच्चों इसलिए एसआई प्रणाली में इसकी इकाई वोल्ट है। और अब हम आगे चलते हैं बच्चों तो आपको आगे की जानकारी देते हैं। आगे आता है कि या किस तरह से हम विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है और किसी एक तार में एक सेकंड में, अभी जैसे कि हमने विद्युत धारा की बात बताई थी इसके पहले कि विद्युत धारा को हम कैसे नापते हैं, विद्युत धारा को हम एम्पियर में नापते हैं, अभी हमने चर्चा इसके पहले किया था। तो बच्चों विद्युत धारा
यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होता है। अभी हमने चर्चा किया कि जो आवेशित कण है इलेक्ट्रॉन, उनके जो प्रवाह होता है उसके कारण किसी भी तार में या किसी भी उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और किसी एक तार में एक सेकेंड में, इस बात को ध्यान में रखो बच्चों कि एक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। इकाई मतलब एक। अभी जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि आवेश Q, आवेश विद्युत आवेश को हम Q से लिखते हैं, टाइम T होता है, अर्थात I मतलब वह जो विद्युत धारा को हम I से, कैपिटल I से लिखते हैं। जहां जैसा कि बच्चों यहां आप लोगों को बताया भी जा रहा है, तो कैपिटल I यानी विद्युत धारा बराबर होता है Q बटे T। यदि हम Q बटे T लेते हैं बच्चों, तो T मतलब टाइम, टाइम मतलब एक सेकेंड, तो एक सेकेंड में अर्थात I बराबर Q। तो हमें यहाँ क्या जानकारी हुई कि एक सेकेंड में जो प्रवाहित होने वाला आवेश, क्योंकि विद्युत आवेश क्या होता है, Q होता है, तो एक सेकेंड में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होगा वही जो है विद्युत धारा कहलाता है। यह विद्युत धारा या SI प्रणाली में उसको हम कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बच्चों मालूम है, हम सिंपल सी बात में हम कहते हैं कि जैसे विभवांतर, हमें कहते हैं कि हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है, नहीं यह हमारा जो है 220 वोल्ट की का बल्ब है, तो यह जो वोल्ट है यह विभवांतर के आधार पर होता है, विभवांतर होता है। और हम जैसे कहते हैं कि हम यह मोटर हमारा 5 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का है, यानी यह जो एम्पियर है यह धारा को बताता है। तो बच्चों धारा की इकाई एम्पियर होती है, या हम इसको कूलाम प्रति सेकेंड कहते हैं। तो और दूसरी बात बच्चों, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब बोलोगे सर अदिश राशि क्या हो गया, तो यह भी आप लोगों को बताया गया था पिछली कक्षा में कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि होती है, एक सदिश राशि। सदिश का मतलब होता है जिसमें बच्चों उसके मानक के साथ साथ उसमें दिशा होती है, तो हम क्या कहते हैं उसको सदिश। जैसे हम कहते हैं कोई भी गति कर रही है चीज, तो हम बोलते हैं यह इतना किलोमीटर पर सेकंड किधर से इस दिशा में जा रही है, अर्थात उसका जो वेग है वह वहां हम देखते हैं, तो उसके हिसाब से उसमें क्या है दिशा और उसका मानक दोनों होता है। लेकिन वही यदि हम दूरी को ले लेते हैं बच्चों, तो दूरी जब हम नापेंगे तो केवल यह होता है कि इस अमुक स्थान से अमुक स्थान तक की दूरी ये है, उसमें दिशा नहीं होती है। तो यहाँ दूरी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, केवल हम नाप करके बता सकते हैं कि यह इतने किलोमीटर की दूरी पर है या इतने मीटर की दूरी पर है। तो अदिश और सदिश दो प्रकार की राशियां होती हैं, जिसमें दिशा के साथ जो व्यक्त किया जाए उसको हम सदिश, और जिसमें दिशा हम नहीं रहती है उसको अदिश। तो इस तरह से बच्चों विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। आगे हम बच्चों आता है आप लोगों को विद्युत सेल। विद्युत सेल में हम जाते हैं, तो बच्चों विद्युत सेल क्या होता है, यह विद्युत सेल जो है एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है, विद्युत का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे किसी भी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे हमने बताया ना एक उपकरण की बात है, स्रोत यानी एक उपकरण है, जहां से हमें स्रोत का मतलब जहां से हमें बिजली मिल सकती है, विद्युत मिल सकता है, तो यह प्रवाह के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। तो ऐसे साधन को हम क्या कहते हैं, विद्युत सेल। तो आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि यह एक प्रकार का हमें साधन है विद्युत सेल, जो हम जिसको हम अंग्रेजी में क्या इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी भी कहते हैं। जैसा कि बैटरी नाम तो आपने सुना ही है, बैटरी, तो वह एक साधन है क्योंकि बैटरी से हमें विद्युत मिलता है, तो एक तरह से हमारा एक साधन हुआ। तो ऐसे इसे हम विद्युत सेल कहते हैं। और इस प्रकार के अनेक विद्युत सेल आज जो है हैं, आगे हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे आप घड़ी में यूज करते हैं, हम देखते हैं घड़ी का जो है विद्युत सेल अलग होता है। हम टार्च में यूज करते हैं तो टार्च में जो हम सेल यूज करते हैं वह अलग प्रकार का होता है। कभी कभी इन्वर्टर, घर में इन्वर्टर लगा रहता है, बड़ी बैटरी है जो हम देखते हैं मोटर गाड़ियों में लगी रहती है, ट्रक में लगा रहता है, तो वह अलग होता है। और ऐसे ही बच्चों देखा जाए तो अलग अलग बैटरी होती है, अलग अलग सेल होते हैं। कुछ ऐसे भी सेल होते हैं बच्चों
जिसे हम हमारे बैटरी में टॉर्च में लगा रहता है, हम यूज करते हैं, उसको रिचार्ज भी करते हैं। तो कुछ ऐसी भी बैटरी होती है जिसे हम काम में भी लेते हैं और चार्ज भी करते हैं। वही टॉर्च में जो सुख से लगी होती है एक प्रकार का, उसको हम चार्ज नहीं करते हैं, वह कुछ समय के बाद उसका जो विद्युत प्रवाह खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं बैटरी खत्म हो गई, हम दूसरी बैटरी लगा लेते हैं। तो ये तो बच्चों विद्युत सेल के अनेक प्रकार हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, अनेक प्रकार के सेल्स हैं, और वह उसका उपयोग भी उस स्तर पर किया जाता है। आगे हम बच्चों चलते हैं, तो आप लोगों को यह बताते हैं कि विद्युत सेल के साथ साथ यदि हम देखते हैं तो सोलर सेल भी होता है, जो हम सोलर ऊर्जा को, सूर्य के ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं। तो ऐसे बच्चों विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य वही होता है कि उनके दोनों सिरों का जो विभवांतर होता है उसमें विभवांतर होता है, जिसके कारण जो है विद्युत आवेश पर कार्य कर यह विद्युत सेल विभवांतर को मौजूद रखता है, और विद्युत सेल के इसके कारण उसमें क्या है, एक विद्युत प्रवाह होता है। तो अब हम बच्चों आपको बताते हैं कि पहला प्रकार है शुष्क सेल। ये शुष्क सेल क्या होता है, शुष्क सेल जैसा कि आप लोग जानते हैं बैटरी जो हम घड़ी, पहले एक लंबी सेल पेंसिल सेल जिसको हम बोलते हैं, या टॉर्च में जो हम सेल यूज करते थे इसको हम कहते हैं ड्राई सेल यानी शुष्क सेल। जैसा कि हम आप लोगों को मालूम है रेडियो में लगता था पीछे तीन बैटरी दो बैटरी, या हम अपने टॉर्च में दो बैटरी तीन बैटरी लगाते थे, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं जो है शुष्क सेल या ड्राई सेल। तो अब इसकी हमको ये जानकारी करना है कि इस सेल की रचना क्या होती है, अर्थात इसकी रचना के विषय में हमें जानना जरूरी है कि इसकी रचना क्या होती है। तो बच्चों हम ये चित्र को देखिए, चित्र से आपको अनुभव हो जाएगा, आपको जानकारी भी मिलेगी चित्र में क्या है। यह एक शुष्क सेल की का बाहरी आकृति को दिखाया गया है, किस तरह से उसकी इंटरनल भाग को एक तरह से देखा जाए तो बीच से हम यदि इसको काट कर निकाल लेते हैं तो हम हमको कैसे दिखाई देता है। तो ये अपने दिमाग में कंसेप्ट रखो, अपने पास जो सेल होती है, जो बैटरी लगी होती है, उसमें क्या होता है, बीच में एक राड होता है, राड होता है, राड यानी जो छड़ होता है वह किसका होता है, ग्रेफाइट का राड होता है बच्चों। इसके बगल में ऊपर देखते हैं तो एक, यदि हम कागज को निकाल देते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऊपर एक लेयर होती है, अंदर कभी यानी उसको हम निकालते हैं, बीच से काटते हैं तो अंदर भी देखते हैं तो कुछ रासायनिक पदार्थ अंदर भरा होता है। तो ऐसे बच्चों हम उसमें देखते हैं तो जैसे जैसे हम शुष्क सेल को बाहर से यदि हम आवरण को निकाल दें तो एक सफेद आवरण दिखाई देता है, वह जिंक धातु का बना होता है, जिसको हम जिंक यानी जेडियन का एक आवरण होता है। यह जो है उस सेल का ऋण सिरा होता है, जैसे भी इससे पहले मैंने बताया बच्चों की सेल में धन और ऋण दोनों सिरा होता है, तो यह जेडियन जिंक जो है ऋण सिरा होता है। अब यह आवरण धीरे धीरे भी हम उसके अंदर जाते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है, ये दोनों आवरणों में विद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा होता है, जो अपघट्य मतलब जिसका अपघटन किया जा सके, जिससे विद्युत अपघटन किया जा सके, तो इस अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित और ऋण आवेशित आयन होते हैं। ये बच्चों आपको आगे बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो है धन आवेशित और ऋण आवेशित इन दोनों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, और इनके द्वारा ही विद्युत प्रवाहित होता है। जब विद्युत अपघट पदार्थ अर्थात इस विद्युत अपघट पदार्थ में हम क्या यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड जिसे हम नवसादर भी कहते हैं NH4Cl, इनके जो गीला मिश्रण को एक लुगदी बना करके उसमें भर दिया जाता है सेल। इसके बाद एक दूसरा भाग होता है जैसा कि आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है, लिखा गया है विभाजक, अर्थात उसके बीच का भाग है जो उसको अलग करता है, उसमें हम क्या करते हैं जो मध्य भाग में होता है उसमें, अभी हमने कहा ना ग्रेफाइट की एक छड़ होती है, जो हम पेंसिल का जो राड होता है वो ग्रेफाइट ही है, जो हम पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए वो एक तरह से क्या है, ग्रेफाइट है। तो वैसे ही यहाँ वही ग्रेफाइट का एक यहाँ राड होता है बच्चों, यह राड जो हम देखते हैं तो ग्रेफाइट के जो राड के का होता है यह धन सिरा होता है, अर्थात जो हम देखते हैं, अब तुमको बैटरी दिमाग में होनी चाहिए, ऊपर जो राड निकला होता है वह धन होता है,
पीछे का जो चिपटा भाग होता है वह क्या होता है, वह चूंकि जिंक से का आवरण है अर्थात वह क्या होता है, वहां ऋण होता है। तो आगे हम बच्चे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो छड़ के जो चारों तरफ है वह मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। इन पदार्थों में रासायनिक क्रिया जब होती है तो रासायनिक क्रिया होने से बच्चों उसमें जो भी रासायनिक क्रिया उसमें होती है तो इन रासायनिक क्रिया के कारण जो है दोनों सिरों पर अर्थात ग्रेफाइट रॉड और जिंक, एक तरफ ग्रेफाइट रॉड है दूसरी तरफ क्या है जिंक, इसमें आवेश तैयार होते हैं और जब आवेश तैयार होते हैं बच्चों तो उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों यह तो रहा जो है आपका शुष्क सेल की बनावट क्या होती है, जैसे मैंने बताया बाहर की तरफ जिंक होता है इस उसमें जो है जिंक जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड भरा होता है, जिंक क्लोराइड से जब क्लोरीन अलग होता है अर्थात उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अमोनियम क्लोराइड से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपके आप लोगों को बताया जाएगा कैसे रिएक्शन है, लेकिन यहाँ अपने को इतना जानना जरूरी है कि उसके रासायनिक क्रिया के द्वारा जो है वहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिसके कारण जो है विद्युत आवेश का निर्माण होता है। और इन विद्युत सेल में जो गीले पदार्थ की लुगदी का उपयोग जो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा मंद गति से, दो रासायनिक क्रियाएं बच्चों आगे पढ़ाया जाएगा दो गति होती है, एक मंद गति रासायनिक क्रिया और एक जो है तीव्र गति रासायनिक क्रिया। तो ये मंद गति की रासायनिक क्रिया होती है, आगे तीव्र गति का मतलब जैसे हम एक कार्बन सोडियम कार्बोनेट को ले लो, यदि हम खाने का सोडा ले लो और उसमें यदि हम तुरंत नींबू का रस डालते हैं तो वह जो क्रिया क्या होती है तीव्र गति क्रिया होती है। तो ऐसे ही आगे आप जाओगे तो तीव्र गति और मंद गति की क्रियाएं पढ़ाई जाएगी, लेकिन यहाँ यह जान जाइए कि यह जो क्रिया होती है मंद गति की क्रिया होती है और जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्राप्त नहीं हो सकता है और यह द्रव पदार्थ का उपयोग करने के लिए विद्युत धारा की तुलना में इसका जो है जो लाइफ होती है वह अधिक होती है और विद्युत सेल का उपयोग आसान होते हैं। और आगे हम आप लोगों को जैसे हम देखते हैं कभी इसको हम खड़े करके लगा सकते हैं बेड़े करके लगा लेते हैं तो वह उसके जो है जैसी जहां जरूरत रहती है उस हिसाब से उसका उपयोग होता है। इसके बाद बच्चों हम दूसरा प्रकार है आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दूसरा प्रकार है लेड विद्युत सेल। तो लेड विद्युत सेल में यहाँ जैसा कि चित्र में बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि लेड विद्युत सेल में जो आकृति है इससे आपको स्पष्ट हो जा रही है कि लेड विद्युत सेल में जो आकृति है इसमें लेड ऑक्साइड अर्थात लेड यानी शीशा जिसको बोलते हैं हिंदी में PbO2 लेड ऑक्साइड और बीच में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रासायनिक पदार्थ है या लिक्विड रूप में रहता है। तो इस तरह से बच्चों हम इसकी रचना में देखते हैं तो इसमें विद्युत जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है विद्युत विमोचन जिसको कहते हैं यही जो है घर में जो लोग इन्वर्टर वगैरह में लगाते हैं बैटरी लगी होती है ठीक यही बैटरी होती है, इसमें लेड और अम्ल दोनों जो है विद्युत सेल में शीशा अर्थात लेड जिसको लेड बोलते हैं पीबी का एक विद्युत अग्र होता है इलेक्ट्रोड होता है, फिर दूसरा जो है बच्चों यह लेड ऑक्साइड का जो PbO2 लेड डाइऑक्साइड इसका दूसरा जो है विद्युत अग्र होता है, विद्युत अग्र मतलब जिसे बच्चों हम बोलते हैं ना कि यह जो है ऋण का है या धन का जो है खुटी है मतलब बोलते हैं ना बैटरी में होती है जो सेल लगती है पानी वाली बैटरी एक तरफ ऋण होता है एक तरफ धन होता है तो वही दोनों होता है। और इसके आधार पर इसमें क्या होता है बच्चों कि यह जो लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड का यह जो है धन आवेश में होता है और जो लेड होता है वह जो है उस पर ऋण आवेश होता है PbO2 O2 दो है इसलिए हम क्या बोलते हैं डाई लेड डाई ऑक्साइड। तो इसमें दोनों का विभवांतर लगभग 2 वोल्ट होता है। तो सेल के पदार्थों में जो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे उनके विद्युत अग्र मतलब जो दोनों तरफ से रो जो खुटी लगी होती है उस पर जो विद्युत आवेश बनते हैं और जो ही उससे हम किसी तार के द्वारा किसी उपकरण को जोड़ देते हैं या हम उस तार के द्वारा किसी बल्ब को जोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है बल्ब जलने लगता है।
तो इस तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो बच्चों, और यह एक तरह से हम देखा जाए बच्चों तो यह जो विद्युत सेल है यह अधिक मात्रा में विद्युत प्रवाहित करने की इसमें क्षमता होती है, जिससे इसका उपयोग जो है ट्रक में, मोटरसाइकिल में लगता है। अर्थात यार झटके के साथ ट्रक में देखो लाइट कितनी फोकस की जलती है, अर्थात बहुत झटके के साथ विद्युत देती है, लेकिन कंटिन्यू दे सकती है। यदि वह रात बल्ब को यदि हम अधिक समय तक इसको बैटरी को चालू करके रख दें तो डिस्चार्ज हो जाएगी, अर्थात वह डेड हो जाती है। इसलिए विद्युत तो देती है लेकिन वो कैपेसिटी उसकी एक निर्भर होती है उसमें, क्योंकि जो लेड होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, रासायनिक क्रिया करने से धीरे धीरे गलने लगता है, अर्थात वह गलने पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, अरे हमारा बैटरी तो अब यह खत्म हो चुकी है, इसका प्लेट खत्म हो गया। लेड का क्या होता है, प्लेट लगा होता है। तो इस तरह से बच्चों इसको हम यूपीएस के रूप में, जो हम देखा जाए तो अखंड विद्युत शक्ति पूर्ति यंत्र यूपीएस, जिसको हम अंग्रेजी में बच्चों बोलते क्या है, जैसे यहाँ हिंदी में लिखा गया है अखंड विद्युत शक्ति पूर्ति यंत्र, यानी यूपीएस, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल यानी यू पावर बी सप्लाई यानी यस। इस तरह से बच्चों जो है इसको यूपीएस करते हैं। तो बच्चों आज हम आप लोगों को लेसन यही समाप्त करते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोग इसको पढ़ डालिए विद्युत सेल का।